Welcome back from the break. आप देख रहे हैं पहचान, मैं हूँ सिद्रा and we are still in conversation with the CEO and Chairman of Synergy Group, Mr. Ahmed Kabadia. सर, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आपकी पहली जॉब की. सो एक टर्निंग पॉइंट होता है और अब तो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट माइंड सेट्स हैं, बींग जॉब ओरिएंटेड या फिर अपना काम करना. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यू वुड लाइक टू हैव योर ओन कंपनी? नहीं, as far as I am concerned, this is my opinion. This is all a myth. You make plans, you do everything, you do for the client and everything. मेरा ओपिनियन ओवर द टाइम चेंज हो गया है. अब कोई मैं प्लान नहीं करता. मैं ये 5 years प्लान लेके नहीं होता कि 5 साल में मैंने ये करना है और आई वॉज वेरी श्योर कि मैंने कंपनी बना देनी है. और ये तो कुछ ऐसा था कि जो सिचुएशंस थी वो ऐसे, द वे इट टर्नड आउट, आई हैड नो अदर चॉइस. यू नो, आई वॉज वर्किंग विद सेठ्स. सो जब सेठ्स के साथ जो भी किस्से थे, उसके बाद वो ऐसी पोजीशन आई कि या तो मैं जाके नौकरी करूँ सेम ओल्ड ग्राइंडिंग, या आई टेक अ रिस्क एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन. कभी आपको ऐसा लगा कि यूथ से बात की जाती है और इसी तरह जब उनकी जॉब रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस होती हैं तो कहते हैं हम इतना अच्छा काम करते हैं, हमें एक तो मोटिवेशन कोई नहीं मिलती, या अगर हम कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं या हम इनिशिएटिव लेते हैं तो उल्टा हमें डांट पड़ती है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? सारी ज़िंदगी भर में. लेकिन इसमें दो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट. एक पॉइंट ये है कि हर पाकिस्तानी, माफ़ कीजिएगा, 99% ये कहता है कि हम बहुत काम करते हैं. वो ऐसा नहीं है. अब ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन ये बात जो है ये गलत है. मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि मैं भी समझता था एक ज़माने में, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि नहीं, इसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ ज़्यादातर मेजॉरिटी समझते हैं कि जो हमने कर दिया वो ज़बरदस्त है, बहुत सही है. बिल्कुल, बहुत सब्जेक्टिव है. देन अगेन मोटिवेशनल, यस बिल्कुल. अगर आप मेजॉरिटी इंटरव्यू ले लें, एक सर्वे कर लें या रिसर्च कर लें, तो आप लोगों से पूछेंगे कि आप उनसे पूछिए आपका बॉस कैसा है, 99% कहेंगे कि ही इज एन इडियट. हाँ बिल्कुल, आप कर लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. विलेन है. हाँ, वो है ही. यहाँ अच्छे मैनेजर्स नहीं है ना, तो बहुत कम है. तो जब जो उठ के ऐसे ही आते हैं जिन्होंने ये सीखा है कि इनसिक्योरिटी के साथ बढ़ना कैसे है, और जब वो ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो वही करते हैं अपने नीचे वालों के साथ जो उनके साथ हुआ होता है. एक्सेप्शन हैं कुछ कि आप फिर कहते हैं, जैसे मेरे बॉसेस थे, मैंने जहन में रखा हुआ था कि यार अगर कभी ऐसी पोजीशन आएगी मेरी तो मैं डिफरेंट तरीके से करूँगा, डिफरेंट स्टाइल से करूँगा. लेकिन आपने ये तो बहुत कुछ सीखा कि क्या नहीं करना है. यही मैं समझ पाई हूँ कि जॉब्स में जो जो चीज़ें नेगेटिव देखी कि अब ये नहीं करना है, इन गलतियों को सुधारना है. लेकिन अगर आप अपने जॉब करने वाले पीरियड का, नौकरी करने वाले पीरियड का निचोड़ बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को कि ये चीज़ मैंने बहुत पते की सीखी थी उस ज़माने में, तो वो क्या होगा? मैंने बड़ी सिंपल चीज़ें सीखी हैं. परसिवेरेंस, हाउ टू परसिवेर, लगे रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. और वो आता है आपके एटीट्यूड से. आप 15-20 दफ़ा गिरें, 100 दफ़ा गिरें, आप कहेंगे दोबारा खड़ा होऊंगा. सही. और ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ मैंने सीखी है. और बाकी सारी चीज़ें इससे निकलती हैं. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत मेजर गलती या ब्लंडर कर दिया हो और बॉस बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए? नहीं, ब्लंडर तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बॉसेस डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, इन रेट्रोस्पेक्ट, वो चीज़ें सही थी बिल्कुल. अगेन सब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है. तो फिर आपका इमेज तो ऐसा बन गया होगा कि आप किसी की सुनते नहीं हैं. अगर अभी भी यही है एंड यू आर प्राउड ऑफ दैट, और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? गलत है बिल्कुल. मैं उनकी नहीं सुनता जो मीडियोक्रिटी के रट में फंसे हुए हैं. दे डोंट वांट टू लिसन, दे आर नॉट विलिंग टू चेंज. लेकिन मैं उनकी ज़रूर सुनता हूँ, और वो मुझे आके कुछ भी कह दें, और हो चुका है, वो मैं सुन लूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं रिएक्ट भी नहीं करूँगा. तो ये सब्जेक्टिविटी है. तो आप देखें, बाहर मैंने कब सीखा है ये सारी चीज़ें कि मुझे बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कैसे आया कि मैं मुझे कुछ आता है थोड़ा बहुत करना, ये मुझे इनडायरेक्टली गोरो ने सिखाया. मैं एक जगह नौकरी करता था, तो वहाँ पर मैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहता था, फैक्सेस पे, इंटरनेट पे, फ़ोन पे.
और मैं डील करता था उनके साथ, जब मैं कहता था 5 बजे ये होगा तो वो हो जाता था, तो काम करता था मैं। तो जब वो आए लाइन से 15 गोरे एक साथ, तो वो कहते थे मीटिंग स्टार्ट, अहमद कपाड़िया सर नहीं होंगे, मीटिंग नहीं होगी। लेकिन मैंने ये सीखा कि गोरे जो हैं वो कंटेंट पे बिलीव करते हैं, काम पे नहीं करते। मैं, मेरा जो फॉर्म है वो बड़ा एग्रेसिव है, जो है नेचुरली है, जो पहले से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं। हम फॉर्म पे जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि बंदा बोल क्या आ रहा है। सही। लिहाजा आपके कंटेंट में, अब हर चीज़ दुनिया में, चाहे प्ले तो हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान इतनी तरक्की करते हैं कि वही बात, वही पुराना मंजन, वो बड़े चिकनी चुपड़ी बातों में अगर हमें दे देते हैं। नहीं, सियासतदान से लिमिटेड नहीं है, एवरीवेयर, क्रिकेट, सियासतदान, ड्रामा, प्लेस, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग। पर्सनैलिटी दो चीज़ों से बनती है, कॉन्टेंट और फॉर्म। लेकिन अगर कॉन्टेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो फॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो हम जो हैं वो सारा वक्त फॉर्म पे लगे रहते हैं, कपड़े कौन से पहने, घड़ी कौन सी पहनी हुई है, कौन सी गाड़ी से उतर रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आपके कमर्शियल देख लें आजकल, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, एक से एक कमर्शियल है जो कि माफ़ कीजिएगा, समझ नहीं आता कि बने कैसे कमर्शियल। तो एक 4-5 करोड़ की कमर्शियल बन रही है और उसका कॉन्सेप्ट कितने का है, वो 2000 का भी नहीं है। तो मुझे बताइए कि वो कैसे अच्छे बनेगा कमर्शियल। सही। मिसाल के तौर पे अहमद साहब, आपकी माशाल्लाह इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप दैट यू हैव पुट टुगेदर एंड यू आर अ सेल्फ मेड मैन, यानी हर चीज फ्रॉम पॉइंट जीरो आपने अचीव करके आज सेल्फ मेड। वैसे बाय द वे चेंज कर दिया है मैंने, सेल्फ मेड कोई होता नहीं है। इट्स यू नो आई हैव गॉट अ ईमेल के By self-made, I mean कि you were not handed to on a silver platter. ये तो नहीं कि अब्बा ने या चाचा ने बनाई थी कंप्यूटर आपको। What I'm saying is कि you know there's an email which I read and God is saying to them कि self-made. I specifically remember making you. So it's not exactly self-made. Yeah, in the worldly sense it is. It is. अब बोलें। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर एक क्लाइंट है जिसको ये भी पता है कि आप मीडियोक्रिटी पे बिलीव नहीं करते, यू आर गोइंग टू बी वेरी अग्रेसिव, यू आर वेरी सॉलिड इन योर कंटेंट, लेकिन आप हो सकता है कोई गलत बात या जो इसको कहना चाहिए जिस बात के कोई मायने ना हो उसको बर्दाश्त ना करें, तो क्लाइंट के लिए ये सारी चीज़ें ही ऑलरेडी नोज दैट, लेकिन वो फिर भी अगर आपके पास आता है, आपके ग्रुप के पास आता है फॉर सर्विसेज, सो वॉट इज़ दैट प्रोमिस? एवरी कंपनी इज़ डिलीवरिंग अ प्रोमिस, वॉट इज़ द प्रोमिस ऑफ सिनर्जी ग्रुप? वेरी सिंपल, वी आर transparent, sincere, we may not be the best, but we will always be there with you. आपके पूरी इंडस्ट्री में यह है कि जब आप किसी से बात नहीं करना चाहते आप गायब हो जाते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप SMS नहीं करते हैं रिप्लाई, यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती। आप 3 बजे भी फ़ोन करेंगे वो हम खड़े हुए होंगे आगे, आपको कोई भी मसला होगा हम खड़े हुए होंगे आपके। तो वी आर देयर टू सर्विस यू, वी आर देयर, वी आर योर पार्टनर्स, प्रोवाइडेड इट्स रेसिप्रोकल। आप भी But there's a contradiction. अभी आपने कहा कि आप mediocrity पे believe नहीं करते हैं, तो लेकिन आपके promise में है कि we may not be the best, but we will always be there for you. Isn't that a mediocre promise? No, I was trying to be humble. I was trying to be humble. मेरा, okay, let me put it this way. When people ask me what is your competition, I have no competition. Now don't take it in the wrong sense, but मैं तो किसी और direction में जा रहा हूँ। ये कॉम्पिटिशन नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू कम्पीट विद दैम, आई कैन नॉट कम्पीट विद दैम, दे आर यू नो मे बी वेरी गुड बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। इट्स द स्टाइल ऑफ सर्विसेज में तो आप कह सकते हैं कि आप उनसे कम्पीट नहीं कर रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस सर्विस के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, बी इट बी क्रिएटिव सर्विसेज, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, उसमें तो दे आर अदर पीपल जिनकी भी दुकान है, जिनका भी बिजनेस है। नहीं, वो करें, लेकिन वो द वे वी डू बिजनेस, वी डोंट वांट टू बी इन कंपटीशन। दिस इज सिंपल थिंग, इट्स इन आवर क्रेडोस। यू डोंट लाई टू द क्लाइंट, यू बी अपफ्रंट, यू बी सिंपल। आप कहें, जो आपने सवाल पूछा था कि उसका ये होता है कि अगर आप मेरी क्लाइंट हैं और आप इंसिस्ट किए जा रही हैं कि एक चीज़ जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गलत है और मैं कहूँगा आपको गलत है और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा ये सही है और फिर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं, मुझे गलत ही चाहिए, तो येस प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। तो लेकिन आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया ना। सो यू देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि जो आप दुनिया को सुधारने ना जाएँ, पहले अपने आप को सुधारें। योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
जो जो जहाँ जहाँ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो करें आप. एंड देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग, फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग एवरीबडी इन पाकिस्तान स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस थिंग, यार मैं अपने आप को सुधार लूँ जितना मैं कर सकता हूँ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? चलें पाकिस्तान तो बड़ी बात है, वी विल हैव अ मच बिगर इन्फ्लुएंस इन एक्चुअली इंप्रूविंग द सोसाइटी. हमारी इंडस्ट्री की बात कर लें, हाँ जी, बात को छोड़ दें, पॉलिटिशियन को भी छोड़ दें, अगर हम यही कर लें तो ड्रामेटिक चेंज आएगा. तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, इसमें देयर इज नो साइंस टू इट. आप अपने आप को बेहतर करेंगे तो जो मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम वर्किंग विद यू एंड वी आर बोथ रीजनेबल बट यू नो बेटर देन आई डू एंड आई एक्सेप्ट दैट, तो आपका इन्फ्लुएंस जो है इवन दो वी आर एट पार वो मुझे आएगा. आई एम टेकन अबैक टू योर प्रीवियस स्टेटमेंट, जब आपने कहा कि इट्स ऑल कॉमन सेंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती. छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम हमेशा आपको इस वीक पे पूरे इसलिए ये रिपीट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, बल्कि प्रोब करते हैं हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स को कि अब अपने सक्सेस सीक्रेट्स आपसे शेयर करें, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी सिंपल एंड इट्स ऑल अबाउट परसेवेरेंस एंड बी कमिटेड टू योर कॉज. हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक.